अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको, गुड मॉर्निंग विद सभी देती है आपको दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आज आप देख रहे हैं बड़ी रंगीनियाँ आई हुई हैं, लेकिन ये बहुत स्पेशल लोग हैं क्योंकि ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है। और इनका मैं वेलकम करूँगी, इनका एक स्टाइल है, हम कहते हैं यूँ लेकिन इनका स्टाइल है। मैं चाहूँगी कि इस वक्त यहाँ पर जो मेहंदी की बच्चियाँ बैठी हुई हैं, जब मैं इनको इशारा करूँगी तो वो अपने लिए क्लैप कैसे करेंगी, तो आप देखें जी। वेलकम, आप हमारे मॉर्निंग शो में आई और मैं आपके लिए भरपूर क्लैप करती हूँ, दैट्स गुड। अच्छा, इनका ये स्टाइल है यूँ करने का, ये मैं इनको वेलकम कर रही हूँ और मैंने इनको किया, इन्होंने मुझे किया। और ये जितनी भी ब्राइड्स हैं या जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं और यहाँ पर जजेस भी बैठे हुए हैं, तो आज मेरे लिए जितने टाइम से मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ और ये मेरे लिए सबसे बड़ा शो है, और मैं, मुझे अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है कि इतने सारे मॉर्निंग शो होते हैं लेकिन लोगों को कोई नहीं ऑब्लाइज करता। Not good, very bad. क्यों? ये हमारी तरह नहीं है? ये जिस माँ के बतन से पैदा हुई है वो क्या हमारी तरह नहीं है? क्या ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है? वेरी बैड। मैं कई सालों से मॉर्निंग शो देखती चली आ रही हूँ, अब मुझे ये बताएं कोई ऐसा बंदा हो मुझे इस सवाल का जवाब दे कि कभी आपको लगा है कि ब्राइडल शो में या स्किल्स या एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स में जो सैलून चलाती हैं, जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, क्या इनका हक नहीं है? क्या ये टैलेंटेड नहीं है? क्या ये हमारा हिस्सा नहीं है? क्या ये पाकिस्तान में इनका हिस्सा कोई भी नहीं है? तो मैं पीबीआई का, अर्श मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये स्टेप लिया कि इनको हमने अपने साथ लेके चलना है। और मैंने एक हीरे को तराशा तो वो माशाल्लाह उसने 18-20 साल में अपनी मेहनत से अपने आप को प्रेजेंट किया, लेकिन मैं उसको ढूंढ रही थी। एक बार मीटअप हुआ तो मैं ढूंढ रही थी वो कहाँ चली गई। उन्होंने एक बार बहुत बड़े मेरा मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने उनको ढूंढने की कोशिश की कि जब मैं मॉर्निंग शो स्टार्ट किया तो मैंने कहा यार उनको ज़रूर बुलाऊँगी। बहुत सारे लोग उनको जानते थे लेकिन किसी ने उनका कॉन्टेक्ट नंबर मुझे नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको ढूंढ ही लिया, अल्लाह भला करे गूगल का। तो मैंने उनको उनका नंबर सर्च किया और बड़े एफर्ट करके मैंने उनको ढूंढ लिया। और वो कौन है? इस वक्त जजेस के फराइज अंजाम दे रही हैं और वो खुद भी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, क्योंकि 2 साल की थी वो और वो बेड से गिर गई, उनके ब्लड वगैरह क्लॉटिंग हुई, शायद ऐसे ही कुछ था, बस अल्लाह की जो मर्ज़ी है उनकी। उन्होंने मुझसे जब मैंने मीटअप किया पूछा कि आप बाय बॉर्न हैं, उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बेड से गिर गई थी और फिर मेरे इस तरह, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम, अल्लाह पाक की जो मर्ज़ी है उसे हम वो नहीं कर सकते, जो उसने आजमाइश देनी हो तो दे के रहता है। और ये बच्ची ने बहुत स्ट्रगल की, इनके वालदैन को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने अपनी बच्ची को ये नहीं समझा कि ये दूसरे मेरे बच्चों से अलग हो या ये आगे नहीं बढ़े, नहीं, उन्होंने उस पर मेहनत की और उसने बन के दिखाया, एजुकेशन हासिल की, उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया और एक बड़ा सैलून खोला, शादी भी की, और शादी भी उन्होंने एक स्पेशल बंदे से की जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकते। अच्छा, मेरे पीछे एक, मैं चाहती हूँ मैं इस साइड आ जाऊँ, मेरी प्यारी बहन बहुत अच्छी ट्रांसलेट उनको करती जा रही है, देन कैप्चर हेयर, मैं चाह रही हूँ कि मैं निकट बाजी को छुपाते हुए और मैं इस तरफ आ जाऊँ शायद, मेरे ख्याल में, दैट्स गुड। कुछ कैमरा ऐसे हो जो ये मेरी बच्ची जो ट्रांसलेट करी, नज़र आ रही है? यस, अब नज़र आ रही है, आई थिंक सो, हाँ ये ओके डन है। अरे मैं चाह रही हूँ लोग नज़र आए ना यहाँ से, ये दोनों ओके डन। अच्छा जी, ये इस तरह हुआ, फिर इन्होंने उनको बहुत अच्छा गाइड किया, उनके वालदैन उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और फिर आखिरकार उन्होंने बन के और कुछ करके दिखाया। 3 बेटियाँ भी हैं उनकी और माशाल्लाह वो तो सही है, नॉर्मल है, लेकिन उन बच्चियों को पढ़ाया,
उनकी शादी की, दो बच्चियाँ अभी भी स्टडी कर रही हैं, तो उन्होंने कभी भी इस चीज़ को मोहताजगी में नहीं लिया। और ये मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आपकी कोई भी बच्ची स्पेशल हो तो उसको पूरा सपोर्ट किया करें, उसे किसी का मोहताज। आज मैं बाजी को देखती हूँ, वेल सेटल्ड, दो सैलून रन कर रही हैं, VIP लग्जरी होम में रहती हैं, गाड़ी में घूमती हैं, कहीं मैंने ऐसा नहीं देखा कि ये लैक कहीं से ये यानी कि लैक डाउन हो रही हैं, और ना कभी मुझे ऐसे लगा है कि ये किसी की मोहताज है रियली। तो मैं वो वेलकम करती हूँ और मैं चाहूँगी भरपूर क्लैप करें। इस वक्त जजेस में जजेस के फ्राइज अंजाम दे रही हैं और PBI की डेजिग्नेशन है उनको, स्पेशल डेफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हैं, और आज उन्होंने स्पेशल ये सेगमेंट हमारे साथ ज्वाइन किया है। तो मैं मिलवाती हूँ आपको किससे, जी हाँ, निगत ताहिर से, जो असना सलोन को रन कर रही हैं। हाँ, इनको बताना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम निगत भाजी, कैसे हो आप, ठीक हो? ओके, पूरा इंटरव्यू सुना? जी मैंने सुना और बहुत अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। और मैं इतनी खुश हूँ कि आज मौका दिया गया है ऐसे लोगों को कि जो अपना भी टैलेंट दिखा सके, जहाँ किसी को नहीं बुलाया जाता। ये लोग खुद भी बहुत खुश है कि हमें मेहंदी के लिए, हमारे स्किल दिखाने के लिए बुलाया गया, थैंक यू सो मच। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त। अच्छा बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये स्पेशल लोग हैं, लेकिन जजेस के फराइज अंजाम निगत बाजी के साथ हमारे डिफरेंट ब्यूटी सेगमेंट में वो बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, उनकी स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनका सलोन भी है जैनी के नाम से, और वो ख़ुद यहाँ पर मौजूद हैं, और वो मेरे डिफरेंट इवेंट्स में एज अ जजेस के प्राइज भी अंजाम दे चुकी हैं, ब्यूटी वर्कशॉप के डेमोज भी किए। तो यहाँ कौन मौजूद है? जी हर्ष गुप्ता बाबर, अस्सलाम वालेकुम। और इन्होंने सबसे अच्छी बात की क्या, इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर, जब उनको पता चला कि स्पेशल लोग हैं तो कह रही थी मैं जरूर आऊंगी। हेलो जी, आवाज़ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब लोग? सभी, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, बिलीव करो। बोले बोले बोलती जा, इतना अच्छा आपने काम किया है आज, जो आपने नो डाउट के मैं PBI के लिए क्या बोलूं, मैं तो सलाम पेश करती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा काम किया है आपने। और माशाल्लाह निगहत की तो क्या बात है, हमेशा ही मुझे मिलती हैं, हर इवेंट में मुझे मिलती हैं, और इतना अच्छा काम करती हैं ये, मैं इनको देख के इतना खुश होती हूँ, और आज तो इन सबको देख के इतनी खुशी हो रही है कि इनकी, आपकी स्टूडेंट है ना, आई थिंक सब इनकी स्टूडेंट्स हैं ना, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम किया है। मेहंदी का मैंने नहीं देखी, लेकिन इन सबको मैंने, अच्छा बहुत बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह के मेरे पास बस अल्फाज नहीं है, मैं इनको देख के, और सैवी जो आप करते हो ना, कमाल करते हो, कि मुझे तो रोना आ रहा है यकीन, इतना अच्छा लग रहा है इन सबको देख के, और इतने इनके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मेरे लिए जो इनके लिए हो सकेगा मैं करूँगी। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा ये शगुफ्ता बाबर के जो अभी आंसू आए ना, ट्रेन करने को मैं बिल्कुल इनके लिए हाजिर। अच्छा शगुफ्ता बाबर के आंसू आए, मेरे आंसू बहुत पहले आ चुके हैं। शगुफ्ता आपके आंसू अब आए ना, मैं पहली बार जब निगत बाजी के साथ मैंने एक डेमोन्स्ट्रेट किया, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे मीटअप हुई, पहले तो कॉल पे बात हो रही थी ना कि आ रही है, तो जब मेरी पहली बार इनसे लाइक मेरे स्टेज पे जब आई, उन्होंने डेमो किया, और जब बोलने के लिए इन्होंने बुलवाया, और जब इन्होंने अपने एक्सप्रेशन दिए ना, तो मैं इनको देख देख के, फिर इन्होंने मुझे गले से लगाया, कह रही है नहीं मुझे तुम ऐसा नहीं करो, इनकी मतलब ये खुशी के आंसू है मेरे, कि इनको देख के इतनी खुशी हो रही है, ऐसे लोगों को मतलब कि इतना ज्यादा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। बहुत अच्छा। अच्छा सॉरी गुड़िया, आपका नाम भूल गई, आलिया के बगैर हम कुछ भी हैं इस वक्त, मतलब ये कि पूरी पूरी आलिया ट्रांसलेट करी, थैंक यू सो मच। आलिया के लिए भरपूर क्लैप करें, यस ये गुड गुड गुड, ये क्लैप है इनकी, ठीक है, और ये एक ये सिग्नल है कि हम आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, लेट्स सी, ये देखें जी आलिया इज द बेस्ट। निगत बाजी आपको बहुत शुक्रिया, एंड हम मैं मेहंदी का पहले स्टार्ट कर लूं, इजाजत है? पहले मेहंदी तक ये बच्चे मेहंदी लगा लें, ठीक है, हम इनको शुरू करें, फिर हम लोग रैंप वॉक कर लेते हैं, ये अपना काम करते रहेंगे और हम अपने वो प्रोग्राम, चलिए जब बकायदा हैपनिंग्स में प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और ये जितनी बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं, हमने इनको सीरियल नंबर से मेंशन कर दिया है,
अब हम लोग जजेस भी ये मौजूद हैं। अच्छा इनकी जजेस जज हैं वो हुमैरा है, हुमैरा नाम है इनका, हलीमा। हलीमा अस्सलाम वालेकुम, हलीमा हो यू। अच्छा हलीमा है हम इनका, ऑफ कोर्स ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इनका जो है स्टार्ट कर देते हैं और ये सारी बच्चियां मौजूद हैं। तो लीजिए मैं 1 2 3 गो, आप लोग स्टार्ट करें फिर हम लोग आपके साथ फिर रابطہ करेंगे, ठीक है। चलिए जी नाज़रीन हम साथ साथ इनका जो मेहंदी कॉन्टेस्ट शुरू हो गया, अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह होता है एज यूजुअल इनको पोजीशंस मिलेंगी और इनको अवार्ड्स एंड शील्ड जो भी इनका रखा हुआ निकट बाजी ने सरप्राइज वो इनको मिलेगा। ओके अच्छा यहाँ पर मेरे बैक साइड पर हैं बड़ी प्यारी प्यारी ब्राइड्स और ये भी स्पेशल बच्चियों ने बनाई। इसमें तीन बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने खुद बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उन्होंने अपना मेक ओवर खुद किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं म्यूजिक शुरू करते हैं और ये हम लोगों ने इसीलिए जजमेंट के लिए नंबर न्यूमेरिक्स मेंशन किए हुए, तो हम लोग उनके थ्रू ही स्टार्ट करें। निकट बाजी क्या करें, स्टार्ट करें और आप लोग इनका वैसे भी मेक ओवर जब मैं गुफ्तगु मतलब इनकी रैम्बो खो जाएगी ना तो उसके बाद हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे तो आप इनको मजीद क्लोज देख सकते हैं, ठीक है। हमारे वहां नाज़रीन बैठे हुए देख लें पहले इनकी रैम्बो। चलिए जी शहजाद भाई प्ले द सॉन्ग एंड शुरू करते हैं। आलिया हाँ आप मेरे ख्याल में वहां चले जाओ ताकि इनको कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर सको। देख लें यस ओके, ये बताएंगी कि कब आपने मूव करना है, इनके बगैर आलिया बगैर नॉट पॉसिबल। अली जरा कैमरे का ख्याल रखना मेरा शहजादा, ठीक है। यस आवाज ऊंची करो, यस
जबरदस्त, वाह भाई वाह। अच्छा जैसा मेहंदी लगा रही है, किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा। आ जाओ इससे बोलो, आ जाओ। अच्छा अच्छा जी, आ जाए जी। कैसा लगा नाज़रीन आप लोगों को? और ऑफ कोर्स मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप कॉल ज़रूर कीजिए अगर आपको इस खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन, जो ब्यूटी सेगमेंट में स्पेशल मैंने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया है गुड मॉर्निंग विद सभी में, और थैंक्स फॉर PBI अर्श मीडिया एंड थैंक्स फॉर निगत बाजी जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज किया। बेशक ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, और इन्होंने अपनी सारी बच्चियों को जो सिखाती भी हैं, जिसमें मेहंदी की बच्चियाँ भी हैं ऑफ कोर्स ये बैठी हुई हैं, और यहाँ पर ब्राइड्स भी हैं, कुछ इसमें ब्राइड ऐसी हैं जो ऑफ कोर्स बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो उन्होंने अपने आप को भी मेकओवर किया है। और ये एक ऐसा मोमेंट है जो मेरे लिए बड़ा स्पेशल है और मैं कभी नहीं भूलूंगी, और थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। और आप लोगों का फीडबैक हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, एंड स्पेशल गुड मॉर्निंग विद सभी। सभी कहती है खुशामदीद, और हमारे कैमरामैन जरा सा हैप्पी हैप्पी हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले ये होता था हम किसी को आवाज दे तो सुन लेते थे, अब इनको हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। इनको अब मेहंदी लगा रही है तो मैंने कहा इनको बताएं 5 मिनट है, तो वो हमारे जो है डायरेक्टर है वो शोर करके कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा क्या कर रहे हो, सुनाई आती तो फिर क्या बात थी। फिर सबको हमने टच किया सर पे, मैंने कहा नहीं नहीं इनको ऐसे बताया, तो अब इनके पास रह गए जस्ट ओनली 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स के अंदर इनका बिल्कुल यानी कि इनका कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा, और इनके जजमेंट ऑफ कोर्स हमारे जजेस हैं निगत बाजी और शगुफ्ता बाबर, और हमारे दरमियान आप सोच रहे होंगे एक और गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कैमरा जाएगा दिल भाई की तरफ, और आप ये सोचेंगे कि ये लड़कियों में खवातीन में ये कौन बंदा है, तो ये आई थिंक सो ये आए हैं UK से, मैं सही कह रही हूँ दिल भाई? ओके, ये अदील भाई जो हैं UK से, और मैं इनसे पूछूंगी कि क्योंकि निगत बाजी ने कहा मेरा एक स्पेशल गेस्ट है, और सरप्राइज मुझे तो उन्होंने सरप्राइज दे दिया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं निगत बाजी की कभी भी बात नहीं टालती क्योंकि ये बेहतर सोचती हैं और बेहतर समझती हैं। और मैंने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा वो गेस्ट है बस हमारे, मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं निगत बाजी आपने बुलाया तो ये हमारे भी गेस्ट हैं, तो मिलवाती हूँ अदील साहब से। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आज आप मुझे बताएं निगत बाजी ने आपको बुलाया है? Yes, इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। अच्छा, तो आप बेसिकली, अच्छा इनके अंदर भी थोड़ा सा मतलब बोलने में क्लियर वर्ड मतलब नहीं बोलते, रुकते हैं, ठीक है, ये भी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गए अब तो। अच्छा ये बताएं अदील भाई कि आप UK में क्या करते हो? मैं होटल में काम करता हूँ, अच्छा जी। आज ऑफ कोर्स इनसे एक आपका बहुत प्यारा सा ताल्लुक है, और मैंने देखा आप इनको बड़ा सपोर्ट भी करते हैं। जी बिल्कुल, मैं सपोर्ट करता हूँ, मेरा नाम अदील अकबर है और मैं इन्हें बहुत सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, आपको जब पता चला एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है तो आप इनको कैसे सपोर्ट करते हैं, मुझे थोड़ा ये बताए ना, एक मतलब ब्यूटिशियन है, स्पेशल लोग हैं। बिल्कुल, आप सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, इनको भी और ये मेहंदी वालियों को भी इतनी सारा, अल्लाह पाक इन सबको खुश रखे, आबाद रखे, मेरे दिल की गहराइयों से इनके लिए दुआएं, और ये बच्चियां कभी किसी की भी मोहताज ना हो, यूं ना करें, हमेशा यूं करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हम कुछ स्पेशल लोगों को ऐसे निग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन लेट्स सी, अब मेरी वो बातें कुछ फीलिंग ऐसी आ जाती हैं, मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है अपने आप को, जैसे शगुफ्ता बाबर की होती। अच्छा जी बताएं कैसी लगी इनकी ब्राइड्स वगैरह, मेकअप कैसा लगा? मेकअप माशाल्लाह बहुत अच्छा है सब, ऊँचा बोले जी जी माशाल्लाह मेकअप बहुत अच्छा है, मैंने 4 हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है, सिलेक्ट कर ली है 3,
तो अभी बताते हैं आपको रिजल्ट. अच्छा ट्रॉफीज और वो कहाँ है जो चीज देनी है, वो तो आपने निगत बाजी रखी नहीं, वो कहाँ है? ओ है, पड़े हुए हैं तो देने हैं टाइम. अच्छा मैं मेहंदी का जरा अलीमा की तरफ जाती हूँ, आप जो है ना इनके वो ट्रॉफीज वगैरह निकाल लें. ठीक है हम चलते हैं. इनका नाम हलीमा, सही नाम लिया यार, हलीमा कम है यार. अच्छा जी फाइनली इनका टाइम खत्म हो गया, आप मेरे पास आ जाओ हलीमा, कम है आ जाओ. अच्छा ये हलीमा भी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती मेरे लिए. अच्छा इनकी आप, मैं इनको करती हूँ, आप इनको वो ट्रॉफीज वगैरह आ जाओ, आप इधर आ जाओ हलीमा, कम है मेरे पास. अब आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, अब इनको बताओ कौन सा. अब सब बात यूं करें प्लीज, हेलो कम इधर करो शो ऑफ. हाँ इनको सर समझाइएगा बेटा, इधर इधर हाथ ऐसे करो, बट टाइम खत्म, टाइम इज ओवर. एंड एंड यूं करो सामने ऐसे, गुड ऐसा. आप भी गो आप पीछे करो ऐसे, ये वाला हाथ इनको भी जरा पुशअप करना बेटा, एक मिनट. इनको भी गो ऐसे करो गुड़िया, उसको भी बोलो ऐसा, ये गुड़िया को बोलो इसको. हाँ ये होता है जरा, इनको ऐसे कर दो. ठीक है यू हैव फाइनल उनको. हाँ ठीक है अब आप बताओ. स्टॉप, अब नहीं आप इधर देख के जज करो जी. ये पेपर ले लो गुड़िया, ये लो आप बताओ. नहीं नहीं उनसे नहीं, निगत भाजी. हाँ यूज कर लो. अच्छा ये इस वक्त हलीमा जो है जजिस के प्राइज अंजाम दे रही है, और ये देख रही है कि किसका जो हैंड है वो बहुत प्यारा है. जरा कैमरे से एक मैच आ रही हूँ कि वो ऐसे जरा फोकस कर लें. ओके अजर सब सामने करो ऐसे, गुड में देखो और आगे करो, आगे करो, आगे करो, सब ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसा अच्छा लग रहा है. आप भी इनको उधर कहाँ देख रही है, इनको बोले इधर ऐसे. जी नाजिन आप लोग देखें जरा, आप लोग भी कुछ जजमेंट करें कि जरा टेढ़ा करो ऐसे ऐसे. अरे वाह जबरदस्त, ऐसे करोगे ना तो नजर से गएगा. ये मुझे ना इसका बहुत प्यारा लग, इसका बहुत बारीक काम है, बहुत प्यारा है. और शगुफ्ता कम कम आ जाओ, आप आओ देखो हमारी जरा शगुफ्ता बाबर भी. ओके तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड, थोड़ा सा शगुफ्ता बाबर भी बताएंगी. देखें जी, अरे शहजाद भी हल्का हल्का गुड मॉर्निंग विद सभी का म्यूजिक तो लगाओ कुछ, मुझे आवाज नहीं आ रही. यस इन बच्चियों की आवाज ही तो, आप हमारे म्यूजिक की आवाज तो लगाओ थोड़ा सा. कैसा है शगुफ्ता इस तरह सफर है, मैंने सुना है ऐसे करो. हाँ इसी पेपर पे कर दो, इसी पे फिर ऐड हो जाएंगे. ये बेटा बैज दिखाओ, बैज हाँ मेरा बच्चा बैज ऐसे. ओके नंबर पता चले ना बेटा, नंबर शो करो. अच्छा जरा सा कमर आप लोग इस तरफ करें, क्या ना क्या शगुफ्ता शगुफ्ता. अरे आपको तो सुना है मेरी जान, नहीं या तो उधर कोने पे खड़े होके कर लो, या तो आपकी ना वो बेकारी है ना बुरा लग रहा है ऐसे मेरी जान ऐसे. ठीक है अब फिर इधर हो जाओ, अल्लाह अकबर ऐसे गुड, ताकि आपको नाज़िम. अब बेटा इधर अब ऐसे यस जी जी नाज़िम, इस वक्त बड़ी टेंशन हो रही है यहाँ पर और जजमेंट हो रही है. ओके बात करो शगुफ्ता, जरा सा कुछ व्यूज जाहिर करो नाज़िम से. हाँ आप बात करो, आवाज जाएगी, आवाज जाएगी, मैं खड़ी हुई हूँ ना आवाज जाएगी. हाँ ओके ऊंचा बोलो. मेहंदी सबने बहुत अच्छी लगाई है, बकौल शगुफ्ता बाबर के. खैर है खैर. हाँ ओके कितनी देर लगे. अच्छा ठीक ठीक ओके चलें जी, जब तक जजमेंट हो रही है यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट और मेहंदी कॉन्टेस्ट के साथ, रहिएगा मेरे साथ. गुड मॉर्निंग सभी, कहती है खुश आमदीद. और ये है वो लम्हा जो है जजमेंट का, और जजेस ऑफ कोर्स खड़े हो गए, और अदील भाई ने गिफ्ट्स स्पेशली जो बच्चियां विन करेंगी मेहंदी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ब्राइडल कॉन्टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके लिए अदील भाई की जानिब से गिफ्ट हैंपर है. और ब्यूटिशियंस जो है निगत बाजी ने स्पेशली इनके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उनके लिए शील्ड्स रखे हैं. चलिए सबसे पहले मैं बोलूंगी जजेस को, शगुफ्ता बाबर एंड निगत बाजी को, कि थर्ड पोजिशन में मेहंदी होल्डर को अनाउंस करें. कौन सा नंबर है मेहंदी का, कौन सा पेपर? यस जजमेंट कर ली मेहंदी की. ओके
थर्ड नंबर बोले, नंबर वन प्लीज, नंबर वन ये रही। हेलो हेलो, हो गई मेहंदी, आपको पोजीशन है। जाइए जाइए, बैग मुझे दे दीजिए। देखिए ये है, इनको जरा जाए जाओ, ये इन्होंने विन किया, इनकी शील्ड दीजिएगा प्लीज। ओके नंबर वन ने नंबर वन नंबर थर्ड पोजीशन हासिल की है, गुड। अदील भाई इनका गिफ्ट भी दे दीजिए अगर है तो। यस ओके, यस इनका गिफ्ट। ओके जी नाजीन, हमारे ये बड़ा अच्छा है कि इन बच्चियों को ना इस बड़े प्लेटफॉर्म पे गुड मॉर्निंग विद सभी में जो है वो एप्रिशिएट दी अदील भाई की जानिब से। That's good. अच्छा जी सेकंड नंबर पे बताइएगा कौन है। नंबर सिक्स यू। ओके आप जाओ, ये मुझे दे दो, ये मुझे छोड़ो, आप जाओ जी। इनको असल में थोड़ा सा आप देख रहे हो ना मुझे कैसे सपोर्ट करना पड़ रहा है। ये आप गुड़े सर्ड हो जाओ। यस ये है, इन्होंने सिक्स नंबर की ब्यूटिशियन है, मेहंदी कॉन्टेस्ट में इन्होंने विन किया है। इनका गिफ्ट टाइम पर अदील भाई आप रेडी रहा करें ना जल्दी जल्दी टाइम, ये देखे। ओके ओके थैंक यू, उधर सामने देखो गुड़िया। ओके चले जी, फर्स्ट पोजीशन किसने ली, नंबर टू कौन है बच्ची। ओके यस आ जाओ, नंबर टू है इनके लिए और ये इन्होंने विन किया है पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। यकीन करें आप लोग जब इधर हो ना तो आपको पता चले इनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ओके और ये अदील भाई की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, दैट्स गुड, ये लीजिए आपके लिए, गुड। चले जी अब है हमारे पास ब्यूटिशियंस। ऑफ कोर्स एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिनमें कम से कम 7 कॉन्टेस्ट ये हमारे कंटेस्टेंट थे और अब मैं इनसे पूछूंगी शगुफ्ता थर्ड पोजीशन किसकी है। नंबर फाइव प्लीज आ जाओ, नंबर फाइव कम हियर। यस यस यस, शुक्र है ये हमारी बच्ची मौजूद है जो जी। इन्होंने फर्स्ट, इनकी शील्ड, इनकी थर्ड पोजीशन है इनकी। यस थर्ड पोजीशन इनकी है, थर्ड पोजीशन। और जी और ये इनका गिफ्ट है, गुड वेरी नाइस, गुड 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 गुड। अच्छा जी सेकंड पे कौन है जी। नाजिन अभी जैसे इन्होंने थर्ड पोजीशन ली, अब हमें सेकंड को अनाउंस करना है और सेकंड पे कौन बच्ची है, क्या नंबर है। नंबर 7 प्लीज आ जाओ, ये आ गए, ओह सो क्यूट। हाँ हाँ बुलवा ले इनको, बुलवा ले जो जीती है उनको, ब्यूटिशियंस को बुला ले। ऑफ कोर्स उन्होंने मेहनत की है और ये स्पेशल है, बोल नहीं सकती। आए ये भी डेफ है, ओके इनको दे शील्ड, ऐसे इनके साथ रिसीव करें, गुड वेरी गुड। ये हो गई इनकी सेकंड। अच्छा ये फर्स्ट की ब्यूटिशियन कौन थी, सॉरी थर्ड की, थर्ड की ब्यूटिशियन कौन है। नहीं 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 सेकंड है, थर्ड की। चले जी ये हो गई सेकंड बच्ची, कोई बात नहीं हम दो ने दोबारा बुलवा लेंगे। नो अच्छा जी फर्स्ट पोजीशन किन्होंने ली है, उनके साथ उनकी ब्यूटिशियन को भी बुलवा लीजिएगा। नंबर फोर प्लीज जल्दी से आ जाओ, वाह वही वाह जबरदस्त, आ जाओ इनकी ब्यूटिशियन आ जाओ नंबर फोर पे, नंबर फोर पे उनकी ब्यूटिशियन। ओके मैं असल में इनको देख रही हूँ फिर आपको भी देखूँ, ओ हो ये आ गई इनकी ब्यूटिशियन। अच्छा ये बेटा बोलनी, ये भी डेफ है, ओके यस बहुत प्यारा मेकअप किया है और अदील भाई की जानिब से गिफ्ट भी लीजिए, ओके गुड है नाइस। अच्छा वो मैं बताती हूँ जी, शगुफ्ता बाबर ने अनाउंस किया है इन सब की स्पेशल बच्चियों के लिए, जो अनाउंस किया वो है उन्होंने अपने सलोन में जो वो वर्कशॉप्स देती रहती हैं इन सब को जो है वो वर्कशॉप की क्लास दे रही हैं और उसको सपोर्ट सारा ऑर्गेनाइज करेंगे PBR। यस गुड, और इसके कोई चार्जेस नहीं है, सबसे बड़ा सरप्राइज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड गिफ्ट। ओके थैंक यू थैंक यू, आप हो गए, एक और भी क्या बताओ कुछ कह रही, एक और लास्ट में किसी को देना है। अच्छा आप लोग आप जाओ, आप फर्स्ट हो जाएं, ओके गिफ्ट रहता है वो देना। ओके गिफ्ट किसको देना है जल्दी से बताएं। ओके अच्छा इनकी भी कोई बात नहीं, कोई बात अप्रिशिएट कर रही है ना, इट्स ओके। अच्छा अच्छा ओके, अच्छा ये बोल नहीं सकती, ओके ये डेफ है, ओके आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ, ओके कोई बात नहीं आपका गिफ्ट। चले चले कोशिश अच्छी की,
ओके गुड 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 गुड. अच्छा जो थर्ड बच्ची आई थी ना वो रह गई, वो ब्यूटिशियन के साथ उनकी पिक्चर हो, अगर वो आ जाए तो जिस तरह सबके साथ हुई है. ओके एक मिनट, एक वो थर्ड वाली जो बच्ची है वो अपने ब्यूटिशियन के साथ आ जाए और ताकि उनकी भी पिक्चर हो जाए. आ जाए बेटा जल्दी से. ओके गुड, आ जाओ बेटा, आप आ जाओ. गुडिया क्योंकि मैं जहन में सोच रही होती हूँ कुछ किसी का रह ना जाए, किसी की दिल आजारी ना हो जाए. गुड है, ये इसलिए इनको दिया है क्योंकि इनकी ब्यूटिशियन पहले स्किप कर गई थी. नजर नहीं. थैंक यू सो मच. यस थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. और आप कुछ और है? ओके डन खत्म. अदील भाई ओके कुछ और? एक मेहंदी वाली को देना है. मेहंदी वाली कौन बताइए नाम नंबर. आप देख लें किसी को भी पिक कर लें. अच्छा एक गिफ्ट रह गया कौन जी? नंबर एट प्लीज आ जाओ. नंबर एट नहीं ये जो मेहंदी आप ही आ जाओ, मेहंदी वाली को भी ले आओ. आ जाओ गुड़िया आ जाओ. अच्छा ये भी स्पेशल है इनके, इन्होंने कहा कि बच्चियों को ये थोड़ा बेहतर है जैसे फोर्थ नंबर कह सकते हैं हम. ओके ओके गुड खत्म फिनिश्ड. ओके डन. चलें जी नाज़रीन थैंक यू अर्श गुप्ता जी एंड निगत जी थैंक यू सो मच. लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना, अभी अदील भाई हम इन सब का शुक्रिया करते हैं. जी नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना क्योंकि ये लोग हमारे साथ रहेंगे और हमारा होगा खाने का सेगमेंट. लेकिन ये ब्यूटी सेगमेंट एंड मेहंदी कॉन्टेस्ट यहाँ पर खत्म हुआ और यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ. कैसा अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी आपको कहती है खुशामदीद और ये है गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन और यहाँ पर मौजूद है शेफ अनमता. अस्सलाम वालेकुम कैसे हो? मैं अनम अनम कह रही थी तो अनमता. ये आई है स्कल्स्टन से, एक इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स कराची में, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर बच्चों को कुकिंग बेकिंग चाइनीज कॉन्टिनेंटल और डिफरेंट डिशेस जो है सिखाई जाती हैं और बहुत सारे डिजर्ट्स. माशाल्लाह कल भी एक बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त खीर बनाई थी और आज ये बना रही है. क्या डिश का नाम है? अचारी चिकन. अचारी चिकन. तो प्लीज़ ज़रा जल्दी से नान रेडी रखें क्योंकि अचारी चिकन जब बनेगी तो फिर हम गर्म गर्म खाएंगे. ठीक है चलिए जी, सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बता दें और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अगर हीटअप करना है तो पहले रखना है इसके ऊपर ताकि ये गर्म हो जाए या रुक जाए. चलो फिर इंग्रेडिएंट्स बता दें. ओके हमारे पास टोमेटोज हैं, ऑनियन है चॉप और ग्रीन चिली. आराम से. अच्छा चॉप किया हुआ टोमेटो है. ठीक है, चॉप किए हुए ऑनियन है. ठीक है, योगर्ट है. ठीक है, और बड़ी वाली ग्रीन चिलीज हैं. ओके, जिंजर गार्लिक हैं बिल्कुल आराम से. ठीक है, जिंजर गार्लिक. ठीक है, और जीरा है और ये रायदाना है और नमक विनेगर चाट मसाला है, चिकन पाउडर है और ये कुटा हुआ धनिया है, हल्दी और गरम मसाला और ये धनिया पाउडर है और क्रश चिलीज हैं, रेड चिली पाउडर है और ये मेथी दाने को हमने क्रश कर लिया है और ये सौंफ को भी हमने क्रश कर लिया है और ये कलौंजी है. अच्छा कुछ इंग्रेडिएंट्स बड़े ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारे लिए बड़ी बेनिफिट मतलब हमारे बेनिफिशियल जैसे बोलते हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है. अच्छा इसको स्टार्ट करें, मैं आपको बताती हूँ इसकी अफादियत ना, क्योंकि एक मैंने अपनी वालदा के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो घर में होम रेमेडी या घर में कुछ होते तो हर्ब इस्तेमाल होती थी. जैसे कलवंजी बहुत अच्छी है, सफ़ेद ज़ीरा अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाए देन इसको आप इनटेक करके पानी पी लें, थोड़ा सा सौंफ ये सॉरी ज़ीरा निकालें ऐसे फक्की मारें और पानी पी लें, इससे बहुत फ़ायदा होता है. और इसके अंदर क्या एक और चीज़ थी, ये मेथी दाना. इसके भी मैं कहती हूँ, कहते हैं कि मेथी दाना अगर किसी को इसकी अफादियत मालूम हो जाए तो ये सोने के भाव जो है वो बिके, ऐसा है. और ये क्या है, ये कसूरी 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 मेथी. ओके कसूरी मेथी के बारे में यही, जैसे मेथी दाना है देता कसूरी मेथी, ये अक्सर हम लोगों के बनता था आलू गोश्त, ये शलजम गोश्त उसमें अक्सर क्रंच करके डालते थे, तो बड़े फायदे हैं इसके, ये जिस्म में बादी जो है वो निकालती है. जी हम लोग स्टार्ट करेंगे. हमने तेल डाल लिया है. ठीक है, अब हम इसमें चॉप्ड हुई भी ऑनियन डाल देंगे. ठीक है जी, ये सबसे पहले इसको फ्लेम को इतना ही रखना है या थोड़ा तेज करना है? ओके गुड, शुक्र है यार गैस आ गई, पहले सिलेंडर होता था बहुत डिस्टर्बेंस होती थी.
जीरा और ये रायदाना भी डाल देंगे। अच्छा राई भी बहुत, जी 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 ठीक है ओके। कलवंजी आप रोजाना है 3-4 दाने किसी भी टाइम पर। अच्छा माने तो माने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी मैं रजिया बात कर रही हूँ कराची से। माशाल्लाह आपकी तारीफ करना चाहूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत प्यारा ये सेटअप उठाया है। शहजाद भाई आपको अच्छी नहीं लगी इसकी आवाज या इसकी बात, जो मेरी तारीफ कर रही हो और आपने उसका लाइन काट दिया? ऐसा कुछ नहीं शहजाद भाई, इसे दोबारा देखे बेचारी बहन ने मेरी। रजिया बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का, और अल्लाह पाक जो है इसी तरह हमारा एक रब्ता बना रहे और दुआ करें कि मैं इसी तरह के एफर्ट्स करती रहूं। अच्छा इसको कितनी देर लगेगी चंदा? से 2-3 मिनट जब ये प्याज हो जाएगी तो हम इसमें चिकन, ठीक है जैसे, और टमाटर। ठीक है मैं आपके साथ ही हूँ। शेफ अनमता हमारे साथ हैं फ्रॉम स्किल्सटन। हम चलते हैं शगुफ्ता बाबर की तरफ और पूछते हैं कि इस तरह के शोज क्यों नहीं कंडक्ट किए जाते स्पेशल लोगों के लिए। जी शगुफ्ता जरा सा ऊंचा बोलिए मेरी जान। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और बहुत थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। आज तो आपको पता चल गया होगा, आपने तो माशाल्लाह कितना अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, सबको ही हो रही है, लेकिन इनके लिए बहुत अच्छा है। और अवेयरनेस आ रही इन लोगों में बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ये लोग अपने लिहाज से एफर्ट भी कर रहे हैं और किए। माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क किया है इन लोगों ने, मेहंदी वाले ने बहुत अच्छा किया, मेकअप जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा मेकअप किया। और मैं चाहूँगी कि मैं और भी इनको थोड़ी सी अवेयरनेस दूँ अपनी क्लासेस में, इनको इनवाइट करूँ, और मैंने कहा भी है कि मैं इनको फ्री क्लासेस दूँगी। और माशाल्लाह नेक्स्ट हम जो बहुत जबरदस्त। अच्छा जी मैं एक बात करना चाहूँगी, निगत ने कहा कि सॉरी गुफ्ता बाबर कह रही थी कि मुझे मुश्किल हुई, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ। और स्पेशल लोगों में जो लोग रहते हैं जैसे भी आलिया है बच्ची, वो अपने हाथों के कुछ एक निशान होते हैं जैसे कहते साइन लाइन बोलते हैं, तो वो उसके थ्रू ये कि इसका मतलब ये उससे ज़्यादा मालूम है, तो हमें ज़रा सा प्रॉब्लम होती है ऑफकोर्स। और मैं तो कहती हूँ हमें थोड़े थोड़े इस तरह के साइन आने चाहिए जिससे हम ऐसे स्पेशल लोगों को हैंडल कर सकें, क्योंकि समटाइम वो लोग भी जो है इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। ऑफ कोर्स अल्लाह पाक ने उनको इस, लेकिन उनकी सलाहियत हमसे बहुत ज़्यादा आगे होती है। कभी आप नोट कीजिएगा हमसे ज़्यादा इनकी हिस्स तेज़ होती है, सोचने समझने की सलाहियत है, टैलेंटेड। अल्लाह पाक इनको एक्स्ट्रा टैलेंट जो है बख्शता है, तो सिर्फ हमारे माँ बाप को जो अगर हमारे घर ऐसा बच्चा होता है तो उसे थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। तो लेट्स सी हम शेफ अनमता की तरफ चलते हैं। जी चिकन कितनी है? 1.5 kg? जी हाफ। ओके चलें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसको डालते हैं। ये जी अनमता के पास आ गए। ओके लेकिन मुझे बहुत मजा आया अनमता, आप सब देख रही थी? जी मुझे भी बहुत मजा आया। गुड। अच्छा आप एक मैंने बच्चों को, ये तो जरा बड़े ही हैं लेकिन आज कुकिंग आप करें, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने स्पेशल बच्चियों को बुलवाया था जो बोल नहीं सकती सुन नहीं सकती, उनको इतनी बेहतरीन कुकिंग आती है, उनमें एक आध ब्लाइंड भी थी, तो मैं उस वक्त बहुत डरी थी जब वो नाइफ यूज़ करी थी तो मेरा दिल धक धक कर रहा, लेकिन वो इतनी माशाल्लाह बेहतरीन, उन्होंने कहा नहीं मैं मुझे तो, मतलब उसकी आंखें बंद थी, कुछ थोड़ा बहुत शायद उसको नज़र आ रहा था। तो मैं कहती हूँ खुदा रा लगा शुक्र करें, बेनतहा शुक्र करें, ये लड़ना झगड़ना छोड़ दें, खुदा की कसम कुछ भी नहीं लेके जाएंगे आप लोग, ये लोगों को तकलीफ देना छोड़ दें। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारी नेमतें दी हैं, आँखें जबान, तो उसका सही जगह इस्तेमाल अल्लाह पाक ने दे के ये एक एक चीज़ हमारे लिए बोलेगी कि हमने किसके लिए किस वक्त क्या किया। तो नाम उन्हीं लोगों का रह जाता है जो कुछ अच्छा करके चले जाते हैं, अपने लिए तो सोच रहे घर भी बना लिया बच्चों के लिए, तो वो एक क्राइटेरिया होगा ना, वो तो एक फ़र्ज़ है आपने किया अपने बच्चों के लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर जाएँ कि सारी दुनिया आपको याद रखे दुआओं में। तो ये जो है ना ये अल्लाह पाक ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है, और आपकी ज़िंदगी में ऐसे एफर्ट ज़रूर किया करें, अपना हिस्सा मिलाए ऐसे काम में। जी अनमता शहजादी थोड़ा सा चेंज कलर कर लिया, okay. हम थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर देंगे, ठीक है, और हम जो अचारी चिकन बना रहे हैं उसका हम मसाला पहले रेडी कर लेते हैं। अच्छा इतनी देर से अचारी चिकन, मेरे जमने का अचार डाल के फारक कर देगी अनमता, लगे ना अनमता ने अचार में डालने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले, ये सारे इंग्रेडिएंट्स okay. जो हमने लिए थे वो हम एक ही उसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है ओके ये इन्होंने
अच्छा शहजाद भाई, अगर वो रजिया जब भी कोई कॉल आए ना तो उनकी जगह और उनका क्वेश्चन पूछ लिया करें। मुझे बड़ा होता है कि पता नहीं इतनी मुश्किल से कॉल लगी और उनकी बात नहीं हो पाई, तो अगर उनकी दोबारा कॉल लग जाए तो बात करवा लीजिएगा। इसमें आपने ने बताया नहीं कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल कर रही हैं, ये ब्यूटीशियन ब्यूटीशियन कौन सी चीजें इस्तेमाल कर रही हैं ये नहीं बताया। ये तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है, अभी मैं पूछती हूँ निगत बाजी से, जब तक आप मसाला तो ये हमें बता दें कि कौन कौन सा जो मेकअप है वो दोनों पे किया जाता है। ओके, आपका नाम? हाँ, बुशरा इशफाक। कहाँ से कॉल की बुशरा? ये सियालकोट बाईपास से। अच्छा, सियालकोट में वीनस एच डी आ रहे हैं, आप देख रहे हो टीवी पर? जी, मैं आपका रोजाना प्रोग्राम देखती हूँ, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, तो मैंने बस ये सीखना है मेकअप। अच्छा मेरी जान, बिल्कुल आपको सिखाएंगे, और थैंक यू सो मच, आप इतना जो है मुझे याद रखती हैं और मेरे शो को देखती हैं, थैंक यू, लव यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा निगत बाजी, कंप्लेन है आपके लिए, कॉल है, वो बोल रही है कि आपने जो है बच्चियों को जो प्रेजेंट किया है उनका बताया नहीं कि उसके बेस, उनसे पूछना था कि बेस कौन सी लगाई, कौन से प्रोडक्ट की लगाई, कौन सा ब्रांड था, ये नहीं सिखाया आपने, मतलब बनी बनाई प्रेजेंट हो गई ना, ये अब कब करवाएंगी ये बताइए, ये थोड़ा ब्रीफ कर सकती है तो बता दें। यस, इनको ओके ओके, चले जी हम लोग किचन की तरफ आ गए हैं, नमता की तरफ, चिकन 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 भी है, सॉरी चिकन और किचन दोनों एक साथ हो गए हैं, चले जी। तो अब चिकन ने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया, okay. तो हम टोमेटोज भी इसके अंदर डाल ओके, ठीक है। अल्लाह यकीन करें मुझे अचारी चिकन जो है मैंने एक दो बार खा चुकी हूँ, बहुत लजीज। आजा नमता के हाथ से खाएंगे, और शेफ फरा देखते हैं आपकी स्टूडेंट कितना लजीज खाना बनाती है, ठीक है जी। और मेरी प्यारी बहन सियालकोट से जो बुशरा ने कॉल की है, मैं चाहती हूँ कराची में, पाकिस्तान में, ऑफकोर्स मुझे पता है इस्लामाबाद और सब जगह विनस एचडी आता है, और गुजरांवाला में खास तौर पे, गुजरांवालों उस दिन मरियम नवाज जो कह रही थी ना गुजरांवाले वालों, मैंने कहा यार कोई वर्ड अच्छा सा तरीके से इसको मतलब सेलेक्ट कर ली थी कि गुजरा वाले नहीं, कैसे बोलेंगे उनको, मैं सोचूं क्या बोल रहे हैं, वो सेलेक्ट करके आती, मुझे तो स्पीच नहीं करनी थी। चलिए जी, मिक्सिंग हो गई, सारा मसाला हमने मिक्स कर लिया, और ये है चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाला हमने दो टीस्पून लिया है, और दो टीस्पून ही हम ये अचार वाला जो मसाला हमने बनाया है, ठीक है, वो इसके अंदर डाल, डन हो गया, और इसे मिक्स करके ओके इसके अंदर सिरका डालेंगे, और मिर्चों के बीच में हमने कट लगा लिया। रियली? जी, सिरका डालेंगे इसके okay. अंदर, मिर्चों के बीच में सिरका ये लगा लिया जी, ओके okay, हम करते हैं इसको, और फिर हम इसके अंदर ये वाला मसाला फिल करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम चिकन में ये अदरक, ठीक है, ओके, ये लहसुन भी जी, ये जिंजर एंड गार्लिक दोनों चीजें ऐड। इतनी प्यारी कटोरियां हैं और खूबसूरत लग रही है ना, मेजरिंग करी इन्होंने, स्किल्सन के स्टूडेंट बड़े मेजरमेंट करके लाते, ओके। अच्छा जी, गुजरांवाला में रहने वालों, जी गुजरांवाला में रहने वालों, मेरे बहनों और भाइयों, अगर वो थोड़ी सी रिहर्सल इसमें कर देती ना तो गुजरांवाला वाले वो बड़ा अजीब ही लग रहा था। लेट्स सी, वो बेचारी कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, मिक्स कर दिया है, और ये अब पक रहा है, जब तक हम ये कर लेते हैं। ओके, और सिरका हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ओके गुड, हमें थोड़ा थिक चाहिए, ठीक है, थोड़ा सिरका थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि थोड़ा थिक हमें चाहिए, ओके। ज्यादा मैं इसको चख के देखूं कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल। आए फिर से, अच्छा कुटी मुझे बता तो दो, मैं चाट का मसाला समझ के चक रही। अच्छा इधर गुड़िया, इस तरफ आओ मेरी शहजादी, ताकि कैमरे में नजर आए आप क्या कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा सा
निगत बाजी मुझे पता चला आप खाना नहीं बनाती हैं, लेकिन आपकी सासू माँ आए 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 दबंग खाना बनाती हैं, दबंग लेडी हैं और बिल्कुल मेरी तरह मैं जो अरे हट जा छोड़ बड़ी नाइस लेडी है, लव यू सासू माँ। और खाने का खुदा की कसम मेरा दिल करता है कि मैं उनको जरूर इनवाइट करूँ, रियली इनके हाथ का टेस्ट मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी शादी पे आई हुई हूँ और वहाँ का खाना है जैसे देगी टाइप का नहीं होता। ओए 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 निगत बाजी आपकी सासू माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, रियली नखरा इनका खाना उनका बस नॉर्मल बनाती हूँ लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा। आलिया इनको बताओ इनविटेशन इनका मुझे और खाना उनसे बनवाती हैं इनवाइट ये मुझे करती हैं इनके घर में, मैं दो तीन बार जा चुकी हूँ बहुत इनवाइट करती हैं, भाई मैं क्या करूँ टाइम नहीं मिलता और मुझे थोड़ा टाइम मेंशन कर रहे हैं, खत्म हो गया टाइम रियली भाई जल्दी कर दो बेटा जल्दी कितना रह गया। हाँ बस ये हम मैक्सिमम कितना टाइम है मेरा चंदा 10 मिनट है ना 5 मिनट और दे दो ना ज्यादा। ये देखें जी क्या ये मिर्चें फिलअप हो रही हैं इसको, जी जी ठीक है मैं उनका शुक्रिया कर दूं निगत बाजी लोगों का ताकि उनका खत्म हो जाए। निगत बाजी आपके आने का बहुत शुक्रिया, सुगुप्ता बाबा अगेन आप अनाउंस कर दें अपने इवेंट को, आप करें ना वन डे क्लास इनको ऑफर कर रही हूँ ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इंशाल्लाह मेरे इंस्टीट्यूट में ये मोस्ट वेलकम आए और मैं इनको बहुत अच्छी क्लास दूंगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बहुत वन क्लास में आपको चेंज नजर आएगा। और यहाँ पर आना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त और माशाल्लाह निगहत की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतना अच्छा वर्क किया है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि माशाल्लाह ये खुद इतना अच्छा काम करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका काम, मैं जब भी इनकी ब्राइड्स वगैरह देखती हूँ एक बिल्कुल डिफरेंट ब्राइडल होती है इनकी बहुत पसंद आता है मुझे इनका काम, बहुत फिनिशिंग वाला और बड़ा सॉफ्ट लुक में देखती हैं ये। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह हम ऐसा प्रोग्राम दोबारा करेंगे और हम उनको इनसे क्लास दिलवाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ऐसा कंपटीशन दोबारा होगा फिर। और अदील भाई से भी मैसेज लें, जी जी उनको आना कैसा लगा? मैंने देखा मैं ये फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का इवेंट अटेंड किया है मेकअप से रिलेटेड मेहंदी से रिलेटेड, बहुत ही खूबसूरत इवेंट था, बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह मेरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है, थैंक यू सो मच। बस इन्हों बोले हम सब ब्यूटिशियन को यूके बुलवाएं, छोड़े सारी बातें वाह लोगों को बताएंगे हमारे यहाँ मुल्क में कितना टैलेंट है। यस डन हो गया, जरूर जरूर सोच ले अब लाइव शो में बोल रहे मैं एयरपोर्ट से जाने नहीं दूंगी ओके जरूर ओके थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और निगत बाजी का इवेंट है जो ये तो अभी 7 ब्यूटिशियन थी जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इंशाल्लाह ईद के बाद पीबीआई के प्लेटफॉर्म से स्पेशल बच्चियों का और क्योंकि पीबीआई के प्रेसिडेंट हैं स्पेशल डेफ एसोसिएशन की निगत बाजी तो ये ईद के बाद मैं अनाउंस करूंगी कि इनका ब्राइडल कॉन्टेस्ट किस बड़े प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। एंड आप मुझे थोड़ा लास्ट बता दें मैं फिर इसको खुद हाफिज़ करूंगी, सब हम इसके अंदर ठीक है नमक ऐड कर देंगे ओके। और ये जो मसाले सारे हमने मिक्स किए हैं ये आप अपने हिसाब से ठीक है ठीक है जल्दी जल्दी गुड़िया ताकि मैं इजाजत चाहूँ और आज सारा दिन आप लोगों के साथ पता ही नहीं चला गुजर गया। यस और नेक्स्ट और फिर ये योगर्ट भी हम ओके बस फिनिश्ड। और ये हरी मिर्ची कब डलती है? हरी मिर्ची बस बिल्कुल लास्ट चिकन और ये वाला पूरा हो जाएगा ये अब यूज नहीं होगा, ये मिर्चे हाँ आप ज्यादा कर लें और उसी के साथ ठीक है चले जी ना अनमता थैंक यू सो मच मेरी जान। आपको आना कैसा लगा? गुड जी मुझे बहुत अच्छा मजा आया चल चाइनीज लड़की चले जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा इसको भी पकने में 10 मिनट्स लगेंगे और फिर हम खाएंगे और आप सिर्फ ऐसे दूर से एंजॉय कीजिएगा, कल फिर मिलेंगे उबरते सूरज की तरह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।